दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक। दोस्तों आज जो मेरे स्टार हैं, जी हाँ, उनकी गोल्डन जुबली है। जी हाँ, उन्होंने पिछले 50 सालों में इतने सारे भजन गाए हैं पूरी दुनिया में। उन्होंने चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कहीं भी उन्होंने इतने सारे शोज किए हैं। आओ आपकी एक स्पेशल मुलाकात करवाता हूँ अशोक शर्मा जी से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अशोक जी, कौन सा आपका गाना आया था, राधा रानी फूल ले लो? सबसे पहले शुरुआत करेंगे उससे कि हमें आप अगर शुरुआत में एक अच्छा सा भजन, वो आपका फेवरेट जो सबसे ज्यादा हिट है, उसके बाद उसकी दो लाइनें। चलो सुना देते हैं। जैसे प्रभु की कृपा से आप भी आज से हमारे परिवार में जुड़ गए, तो ये उसी की कृपा है, उसी पे लिखा हुआ ये भजन है। तूने मेरे मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसका यही शुक्र बार-बार करते हैं। जी बहुत बहुत बढ़िया जी। अशोक जी, अगर मैं आपको शुरुआती दिनों में ले जाऊं कि शुरुआती दिनों में आप पहले बात करेंगे आपके बचपन से लेके अब तक की, कि आप किस तरीके से इस लाइन में आए, सिंगिंग लाइन में आए, लेकिन आप बैंक में भी थे, उसके बाद आपने बैंक की नौकरी छोड़ी, पूरी दुनिया दुनिया में घूमे, मीन्स वो करते हुए आपकी फैमिली सपोर्ट कैसी रही? बिकॉज कई बार एक जॉब को छोड़ के इस लाइन में जाना और कई बार फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, तो अपना अगर आप चार लाइनों के बीच में अपनी शुरुआती दिनों से लेकर अपनी सिंगिंग की एंट्री का सफर बताएं तो क्या आप बताना चाहेंगे? यही है कि हमारे घर का वातावरण शुरू से ऐसा ही था। हमारे घर में हर मंगलवार सत्संग होना, पिताश्री, हमारे भाई साहब, हमारे चाचा जी, और हम छोटे छोटे थे, 5-4 वर्ष की आयु में हम भी साथ में मजीरे लेके बैठ जाना कि चलो हम भी गाएं। पर हर मंगलवार सत्संग हमारे घर में होता था, तो पिताजी कहते थे इस बार तू गाएगा। ऐसे करते करते वो मुझे बताते थे कि आपने 5 वर्ष में पहली बार पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर बटाला, आपने पहली बार पब्लिकली सत्संग किया था वहां। और जब मैं गा रहा था वर्ष तो में लोग रो रहे थे, वेरी प्राउड की हमें नहीं पता था कि ये रोते आपकी क्यों है। 50वीं सालगिरह इस बार है जी, 12 अप्रैल बड़ी चीज को है कि टैलेंट जी। ये, हाँ ये हमने इंडिया लेवल पे मनानी थी, पर ये कुछ कारण जो ऐसा वातावरण विश्व में हुआ हुआ है ना, महामारी के कारण रह गया। नहीं तो 12 अप्रैल को ये गोल्डन जुबली हमारे रसिक जनों ने, हमारा बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पंजाब में जिसके तकरीबन 8-10 हजार फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मिलकर मनाना था। तो जैसे ठाकुर जी की इच्छा, उसका जो जो ये श्रेय था या ये तार है, ये ऑस्ट्रेलिया में जुड़नी थी आपके माध्यम से, मैं तो लोगों आपको को ये पता बोल भी रहा हूं नहीं कि था आप अभी कि भी हम आप। जोड़ देंगे जब भी आपका ये सालगिरह बनाई जाएगी, एंड वी विल बी हाँ अ जी पार्ट जी ऑफ क्योंकि दैट। कनाडा में भी ना हमारे एक साथ चैनल चलता है, शारदा चैनल, वो भी लाइव जी करते हैं हमारे कार्यक्रम। जब वहां पहुंचते हैं ना कनाडा में, वो सारे शोज जी जी हमारे जी लाइव करते हैं वहां भी। बहुत 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 बढ़िया जी। आप तो कनाडा, अमेरिका, काफी सारी कंट्रीज घूम चुके हैं, आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? अब तो जी कहता है कि कनाडा ज्यादा ठीक रहता, क्योंकि तो वहां अच्छा ना जी कुछ लोगों में मैं ये सोचता हूं कि दिखावा कम है। दो तरह के लोग जी हैं वहां, जो आता है वो पूरा डिवोटी होके आता है, सही जो है, आया मीन समझ लो वो प्रभु वो के लिए आया है, फॉर्मेलिटी कोई नहीं, दिखावा जी कोई नहीं, जो नहीं हाँ आया वो जी। नहीं आया। वहां का सबसे अच्छी बात है कि वहां पे भी चौथी जनरेशन चल रही है, आगे निकल चुके हैं, लोगों की सोच वापिस आ गई है, मीन्स कि रियलिटी क्या है, इस दुनिया की रियलिटी क्या है। ये पक्की बात है।
आप जानकर काफी खुशी होगी कि जब मैं चलता हूँ तो 10-15 गाड़ियां मेरे साथ चलती हैं कनेडा में, और लोग काम छोड़ के मेरे हर सत्संग पे, और ठाकुर जी की कुछ ऐसी कृपा है कि पंजाबी शो जो है वो पैलेसों में होते हैं, अकेला सिर्फ मेरा धार्मिक आयोजन है जो पैलेसों में होते हैं, जिसमें पूरी संगत और कृपा से आती है, और यही प्यार उनका मिला है, वो बार बार बुलाते हैं, तो फिर मन भी करता चलो मैं जाता सिर्फ एक आदमी के लिए, अधिक नहीं, क्योंकि यहाँ शेड्यूल बड़ा टाइट रहता है। कैसे कि आपका इतना लंबा सफर और पूरी जगह आपको पूरी फैमिली सपोर्ट भी है, लेकिन हमें ये भी पता लगा है कि आपका जो बेटा है आशु, आशु शर्मा है ना, तो जी, वो जी, भी जी, इस लाइन में आगे आ रहा है, ही इज डूइंग वेरी वेल, वो उसका इंटरेस्ट कैसे पड़ा? नहीं रहा, आ ही गया जी, वो भी ऐसे है कि उसको मैंने 4 साल में पहली बार स्टेज पे खड़ा कर दिया था, 4 साल की आयु, क्या बात है, अब नियर अबाउट 40 है वो, और सावन का महीना था, बहुत बड़ा मेला लगता है आपको जैसे पता ही हिमाचल में, तो वहां चमुंडा देवी दरबार में मैंने पहली बार उससे महारानी की एक भेंट गवाई, तब से ठाकुर कृपा हुई, आज के युग में यही सबसे बड़ी कमाई है कि जो परिवार हमारे साथ है, बच्चे हमारे साथ हैं, यही सबसे बड़ी कमाई है हमारी, और वो आगे आगे उसकी कैसेट भी टी सीरीज में भी, संस्कार चैनल पे भी, दिव्य चैनल पे भी, भाग्य चैनल पे भी हमारे कार्यक्रम आते रहते हैं, तो मेरे साथ ही वो चलता बहुत है, दोनों इकट्ठे ही चलते हैं जी। एंड कैसे अभी आने वाले कोई प्रोजेक्ट कुछ पाइपलाइन में है जी? कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं कभी, कोई नए भजन? हाँ चलते रहते हैं, वो तो हर मंगलवार मेरा लाइव चलता है कार्यक्रम 7-7 to 8 रात को, वो लोग सारी दुनिया देखती है, उसमें कोई ना कोई मेरी इच्छा होती है, इस बार ये जो महामारी का चक्कर चला इस मंगलवार हनुमान जी पे भजन लिखा मैंने, वो लोगों की डिमांड है अगले मंगलवार फिर सुनाना, कि हमें भी सुना दीजिए जी, जी, हम भी नाम ले लें, और मीन्स आज भी मंगलवार है तो आज एक हो जाए वो वही है कृपा करो ना संकट हरो ना, प्रभु कृपा करो ना संकट हरो ना, खत्म कर दो प्यारे ये वायरस करो ना, कृपा करो ना संकट हरो ना। हनुमान जी से प्रार्थना की है हमने कि आपने हर देवता के संकट निवारे हैं, हम तुझसे कुछ भी नहीं, हमारा भारत विश्व गुरु बन के निकले, शायद इसीलिए ये एक महामारी आई है कि पूरा विश्व हमारे धर्म को, हमारे सनातन को, हमारे संतों को, हमारे ग्रंथों को माने, यही प्रेरणा लेकर हमने। बहुत बढ़िया अशोक जी, आपके कितने सारे गाने, कितने सारे सॉन्ग्स, कितने सारे भजन हिट हैं, लेकिन आपका फेवरेट कौन सा है? वैसे तो वो बता रहे हैं ना कि जैसे जैसे बैठ गए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत बहुत बढ़िया अशोक जी, आपके साथ बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा। जाते जाते अगर आप सबको एक मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज आप अपना एक हमारे साथ मैसेज शेयर कर सकते हैं जो हम हमेशा याद रखें, और आपकी इतनी लाइफ की जो जर्नी रही है उसका अगर निचोड़ में कि एक चीज, मेरा क्वेश्चन कि लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए, और उसके बाद आपका मैसेज। हाँ प्रेरणा तो यही है कि हम जो प्रैक्टिकल है ना वैसा जो कहते हैं वो करें, और किसी का बुरा मत करें। सबसे बड़ी तो पूजा ये है, माता पिता की सेवा करते हुए धर्म समाज से साथ जुड़े रहें, हर आत्मा में परमात्मा देखें, तो हम आप बुरा कम करेंगे नहीं और उसकी हाजिर लगेगी। हम कहता हूं कि हर हर में समाया है वो,
हर एक जीव में समाया है। अगर उसकी निंदा चुगली हम कर रहे हैं, अपनी पापों की गठड़ी भारी कर ली, उसको हल्का कर दिया, निंदा चुगली छोड़ो। जब आपकी कोई निंदा करना शुरू कर दे, समझ लो आप अपने मनोरथ में कामयाब है, ये पक्की बात है जी। जिस तरह हम चले हैं वो हम कामयाब है, बस उसको लेके हम चले। ये मत सोचे कि दुनिया क्या कह रही है, मीराबाई ने क्या कुछ नहीं सहा, सब छोड़ छाड़ के मेवाड़ की महारानी, संतरी मंत्री, नौकर चाका, हीरे जवाहर क्या नहीं थे उसके पास, छोड़कर निकली तो यही कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोए, जाके सर मोर मुकट मेरो पति सोए। रिश्ता बना लिया प्रभु से और प्रभु ने हृदय में प्रवेश करवाया मीराबाई को। मीराबाई मरी नहीं थी, हृदय में प्रवेश कराया। बस यही चाहते हैं, हर आत्मा में उसको देखो, बुरा निंदा चुगली छोड़ दो, समाज अति सुंदर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एंड आपको अपनी जुबली 50 साल पूरे करने में, गोल्डन जुबली में बहुत बहुत मुबारक। एंड आपने कैसे पूरी दुनिया में एक प्यार का संदेश, एक रिलीजन का संदेश और लोगों को भक्ति की तरफ मोड़ने का काम किया है, इसी तरीके से आप आगे भी करता रहे, और आपका बेटा भी इसी पथ पे आगे चल रहा है, ही इज गोइंग वेरी गुड। सो इसी तरीके से आप करते रहे और अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इसी के साथ मैं वरुण तिवारी जात लेता हूँ फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी से। तो दोस्तों आपको भी एक बार फिर धन्यवाद है अपने राधा गोविंद धाम परिवार की तरफ से, जो मेरा परिवार है, इस बैनर से जो हमारा चैनल भी है फेसबुक चैनल, उसके माध्यम से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी हमारे परिवार की माला के मोती बन गए, ये कृपा ठाकुर जी बनाए रखे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दोस्तों आज हमने बात की आशीष शर्मा जी से, किस तरीके से उनका हिट गाना आपने उनके अपने मुंह से सुना। तो दोस्तों ऐसे ही हम आगे भी आपके लिए कुछ ऐसी मुलाकातें करवाते रहेंगे। मिलते हैं अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टार टॉक। धन्यवाद। वन स्टॉप आंसर टू योर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन एंड वीजा मैटर्स, जेमको सिडनी, ड्रीम बिग, अचीव बिग। We'll be right back.